मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको क्लिक कर दें और बगल में देखिए बेल आइकन आ गई है, उसको भी क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मार्केट में या ऑनलाइन आपको बहुत सारे प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर आराम से मिल जाएंगे। कुछ ये प्लास्टिक के हैं, कुछ ये मेटल के हैं और डिफरेंट डिफरेंट इनके प्राइस है। कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, कुछ सस्ते हैं। अगर आपको चाहें तो आप ऑनलाइन इस तरह के प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर ले सकते हैं। आज हम DIY करेंगे इस वाले प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर का, जो ग्रीन कलर का है और नेट के फैब्रिक पे दिख रहा है आपको। बीच में इसके होल है प्लास्टिक बैग निकालने के लिए। तो गाइस ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है जिसको हम DIY करेंगे, और मुझे लगता है कि हम इससे अच्छा DIY करेंगे, इससे अच्छा बनाएंगे, तो आप एक बार इसको देख लें। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने स्क्रीनशॉट करके डाल दिया है कि किस तरह से आप प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर बना सकती हैं और किचन में रख सकती हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत तरह के प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, पर अगर DIY करेंगी तो आपको वो बहुत सस्ता पड़ जाएगा। और अगर जीरो कॉस्ट पे बनाना चाहती हैं तो शूज़ के डिब्बे से क्या पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे आते हैं, बॉटल्स आती है, उनसे भी आप बहुत इजीली बना सकती हैं। बट अगर किचन बहुत अच्छा है, लोगों का आना जाना है आपका, तो थोड़ा सा अच्छा बनाइए, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करिए, तो 10 से 15 रुपए के कोर्स में आप बिल्कुल मार्केट जैसा मैं लेकर आई हूँ आप DIY प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर बना सकती हैं। और कहीं से भी ये मार्केट से कम नहीं लगेगा, बल्कि और खूबसूरत लगेगा। जहाँ टांगेंगी, जिस पर्पस से टांगेंगी, वो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो मैंने बहुत सोचा विचारा कि किस तरह से इसको बनाया जाए। तो मैंने जो ऑनलाइन जो प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर देखा वो थोड़ा सा टाइट है, मतलब कि वो खड़ा रखने वाला है, कहीं से लूज नहीं है, नेट का बना हुआ है। तो नेट जो चाहिए होगा हमें वो टाइट चाहिए होगा। तो सोच विचार के बाद मुझे इस तरह का नेट मिला है। ये मैंने 6 रुपये का एक पीस, यानी कि 6 रुपये पीस मैं ये लेकर आई हूँ। 6 रुपये पीस का ये बहुत इजीली जहाँ पे टेलरिंग शॉप होगी, धागे का या कढ़ाई का सामान मिलता है, इसको आप ले सकते हैं। इसका यूज़ घरों में होता है, और किस लिए होता है मैं बता दूँ यहाँ। ये यूज़ किया जाता है कढ़ाई करने के लिए, मैट बनाने के लिए। इस पर जो आप छोटे छोटे होल देख रहे हैं, इसमें सुई से डिज़ाइन की जाती है, फ्लावर की, घर की सीनरी बनाई जाती है। और इसको मैट के लिए या ऑल पर्पज़ से इसको यूज़ किया जाता है, मल्टीपल पर्पज़ से। तो मुझे समझ में आया कि मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ और देखने में ये खूबसूरत भी लगेगा। तो 6 रुपये की एक पीस ये मैं लेकर आई हूँ। 3 पीस अगर आप लेंगे तो 18 रुपये का आपका होगा, बाकी आपको कोई उसमें कुछ और लगाना नहीं है। तो इस तरह की नेट पीस आप ले लें। और इसको करना क्या है, यहाँ पे साइड में जो भी एक्सेस चीज़ें हैं उसको हम निकाल देंगे, और ये हम इसको हम 2 पीस में फोल्ड करके इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे इक्वली हमें इसको कट कर लेना है 2 पीस में। देखिए ये मेरा 2 पीस में ये निकल आया है, और ये इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाइट वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसको भी अभी हमें कट कर देना है। होल कटना नहीं चाहिए, होल से थोड़ा सा साइड में रख करके हमें इसको कट कर देना है। ये इस तरह से हो गया। इसी तरह से मैं ये 2 पीस भी इक्वल कर करके काट लूँगी इस तरह से। यहाँ पे 4 पीस मैंने कट कर ली हैं, और सबका दोनों तरफ हमारे इस तरह की पट्टियाँ थी वाइट कलर की, तो मैंने नीचे वाले पार्ट में वाइट कलर की पट्टियाँ कट कर दी हैं। देखिए चारों में हमने वाइट कलर वाली पट्टियाँ जो है कट कर दी हैं, और ऊपर के पोर्शन में हमने रहने दिए क्योंकि माउथ एरिया जो है वो खुला रहेगा इसका, तो इसलिए ये पट्टियाँ छोड़ दी हैं हमने। अब हमें क्या करना है कि सेम कलर का धागा सुई तैयार रखना है, और 2-2 पीस का इस तरह से हमें
वाइट वाली पट्टियों के साथ वाइट वाला जो सेकंड वाली पट्टी है उसको ऊपर करके इस तरह से बॉक्स के उसमें हमको सिलाई करनी है इस पर कि बॉक्स की तरह ये बन जाए। तो इस तरह से रख करके हमें इसको जॉइंट करना है। बहुत इजीली ये जॉइंट हो जाएगा क्योंकि होल्स ऑलरेडी हैं इसमें। तो सुई धागा मैंने ले रखा है और इस तरह से सेट करके इस पर होल टू होल मिला दें। और यहाँ ध्यान रखें कि धागा जो है हमें सेम कलर का लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट में बांध रही हूँ इसका, एक्स्ट्रा धागा बाद में आप कट कर दें इसमें से और टाइटली बांध दें। और इस तरह से दोनों को होल टू होल ज्वाइन करते जाएं आपस में टाइटली। देखिए इस तरह से मैं होल में होल मिला करके ज्वाइन कर रही हूँ। एक बार से दो बार आप ज्वाइन करें, मतलब एक होल में दो बार आप सुई चलाएं, बहुत इजीली ये अभी फिक्स हो जाएगा। और इस जो ये जो नेट शीट है आपकी, ये मार्केट में नेट शीट के नाम से आती है, आप उसको मांग लें या फिर बीनने वाली नेट शीट जो होती है उसको बोल दें आप। अगर वहाँ पे नेट शीट नहीं मिल रही है इस नाम से तो आप बीनने वाली नेट शीट कह सकते हैं जिस पे बिनाई होती है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट करके वहाँ दिखाएं, डेफिनेटली ये मिल जाएगी। ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ख़रीदने में। 6 रुपए की ही ये आती है, हो सकता हो आपके वहाँ और कम की मिले या 1-2 रुपए ज़्यादा की मिले। तो आपका एक जो प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर है वो ऑलमोस्ट आपका 20 रुपए के अंदर आ जाएगा, अगर आप 3 पार्ट अगर इसका ले करके बनाएंगी तो। नहीं तो बॉटम में आपको, अगर बॉटम में आपको नहीं लगाना है ये, तो बॉटम में आप कपड़ा लगा सकती हैं। तो ये इतना मैंने कर लिया है और अभी मैं पूरा कर लूँगी। ये इस तरह से बैठ जाएगा तो मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको ये वाला पार्ट। कुछ इस तरह से हो गया हमारा रेडी। हमने 3 पार्ट्स को ज्वाइन किया, एक यहाँ पार्ट है हमारा और ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, तीनों को हमने ज्वाइन किया और कुछ इस तरह से आ गया है। यहाँ हमने सिलाई लगाई है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ हमारी सिलाई हुई है और यहाँ सिलाई हुई है। हमने 3 पार्ट को भी ज्वाइन किया है, चौथा पार्ट हमारा ये है। और यहाँ पे हमें एक होल बना रखा है, ये देखिए होल का मैंने पेन से मैंने ड्रॉ किया है होल को। और इसको हम होल को काट लेंगे क्योंकि हमें प्लास्टिक को निकालना है, तो इसीलिए यहाँ पे होल रखना है। तो बहुत केयरफुली आप काट लें, मैं कैंची से काट रही हूँ, अगर कटेगा तो कैंची से काटेंगे, नहीं तो फिर हम इसको। और ये ध्यान रखिए होल ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इस तरह से होल कट रहा है हमारा, कैंची से बहुत इजी कट जाएगा। अगर आपके पास शार्प वाला ब्लेड है तो उससे भी आप काट सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे जो कर्टन में हुक लगते हैं जिससे हम कर्टन बनाते हैं वो वाला मेरे पास है 1 पीस, मार्केट में ये बिल्कुल इजी मिल जाता है। और ये डज़न से भी आता है, 6 पीस मैं ले आई हूँ इसलिए, और 15 रुपये के या 20 रुपये के 6 पीस इसने मुझे दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप काट लें, और थोड़ा बड़ा चाहिए मुझे, थोड़ा बड़ा कर लूँगी मैं। गाइज ये इतना बड़ा होल मैंने कर लिया है इसमें, आप देख लें सेट करके, अगर ये इतना ही बड़ा हमें चाहिए, इससे बड़ा होल नहीं करना है। और इस तरह से इसको, इस तरह से कर्टन वाला हुक हम बिठाते हैं, इस तरह से दोनों साइड से ये बैठ जाएगा आराम से। देखिए ये बैठ गया और उसके पीछे ये लगता है जिससे ये फिक्स हो जाता है, तो ये हम फिक्स कर लेंगे यहाँ पे। तो ये इस तरह से हमें इसको फिक्स कर लेना है। थोड़ा टाइट है ये फिक्स हो गया है। और ये आगे से कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। ये हमारा होल का जो एरिया है बन के रेडी हो गया है। अब हमको लास्ट वाला पार्ट भी इसी में इसी तरह से फिक्स कर लेना है, इसी तरह से सिलाई हमें कर लेनी है और दोनों पार्ट की सिलाई कर लेनी है। तो ये पहले हम कर लेंगे, फिर आगे हम इसका सेकंड वाला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे।
गाइस ये चारों तरफ से हमारा इस तरह से बन गया है, मैं दिखा दूँ, ये इस तरह से हैंग हो जाएगा और यहाँ से आप प्लास्टिक रख सकते हैं, यहाँ से प्लास्टिक निकलेगी। लास्ट वाला पार्ट हमारा ये है जिसको हम एक और मैट के साथ ज्वाइन करेंगे। अभी हमने दो मैट लगाए यानी कि 12 रुपए हमारे हो चुके हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आप सिर्फ कार्डबोर्ड काट करके और ऊन लपेट करके यहाँ चिपका सकते हो, तो ये वाला खर्चा भी बच जाएगा। लेकिन अगर और अच्छा बनाना चाहते हो, लुक इसका अच्छा रखना चाहते हो आप, तो इस तरह से आप बना सकते हो। लास्ट वाले पार्ट के लिए हम इसको इस तरह से रख लेंगे और इक्वली इसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पे निशान लगा के मैं काट लूँगी और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ निशान लगा के काटने के बाद। तो गाइज ये थर्ड वाला पार्ट का जो है हमने नीचे वाला एरिया कट कर लिया है, बॉटम का देखिए ये स्क्वायर उस शेप में कटेगा, बिल्कुल इसी के साइज़ का कटेगा और इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे जैसे और सारे ज्वाइन करने हैं। अगर टू पार्ट से ही आपको बनाना है तो आप टू पार्ट से बना सकते हो और यहाँ पे आप कोई कपड़ा लगा सकते हो, मतलब कि ये नीचे बॉटम में आप कोई कपड़ा लगा सकते हो वाइट कलर का कम्बिनेशन या कुछ इस तरह से, तो ये वाला जो एरिया है उसका बच जाएगा आपका। तो मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको, उसी तरह से ज्वाइन करना जिस तरह से हमने ये ज्वाइन किया चारों तरफ से। गाइस ये बॉटम मैंने लगा लिया है, ये देखिए बॉटम, और ये बॉक्स मैं थोड़ा दूर करके दिखाऊंगी, तो ये बॉक्स कुछ इस तरह से तैयार हो गया हमारा पूरा, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और देखिए किस तरह से ये खूबसूरत लग रहा है। ये आप प्लास्टिक डिस्पेंसर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह का सैटन ले करके और जो साइड में है वहाँ पे आप इस सैटन को चिपका सकते हैं। ये वाला जो एरिया है उसको आप हाइड कर सकते हैं, मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको इसको हाइड करना है तो चौड़े सैटन से या कपड़े से आप इसको ग्लू से आप इसको हाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सैटन काट रखा है और यहाँ से मैं इसको इंटर करूँगी सैटन को इस तरह से, और यहाँ पर एक गांठ लगानी है हमें, ज़्यादा बड़ी गांठ नहीं लगाएं क्योंकि होल हमारा पतला है तो वो एडजस्ट कर लेगा। और दूसरे एरिया में भी हमें इसी तरह से एकदम सेंटर में ही इंटर करना है और इस तरह से इंटर हो जाएगा ये, और इसी तरह से मैं इस पर भी एक गांठ लगा दूंगी। तो यहाँ पे एक गांठ हम लगा देंगे और ये आप मल्टीपर्पज़ के लिए ये बॉक्स यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा, मैं ऊपर भी एक गार्ड लगा रही हूँ इसकी, इस तरह से नॉट यहाँ पे भी लग गया है और ये पूरा हमारा बॉक्स बन के रेडी हो गया है। अभी आप चाहे तो इसमें आप प्लास्टिक डिस्पेंसर के पर्पज़ से यूज़ करो या फिर आप किसी भी और अदर आप ज्वेलरी के लिए अपने यूज़ कर सकते हो, बैंगल रखने के लिए यूज़ कर सकते हो, किचन में रखो या फिर आप अपने रूम में रखो, किसी भी तरीके से ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो मैं इसको किस तरह से रखूँगी मैं दिखा देती हूँ एक बार, तो लेट्स गो गाइस। देखिए जिस तरह से ये आपका प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर तैयार है पूरा, मैं ऊपर से नीचे तक करके देखा तो मैंने इसको हैंग कर रखा है और बहुत इजीली आप कोई भी प्लास्टिक इस तरह से आप निकाल सकते हो अपने प्लास्टिक डिस्पेंसर से और ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। अंदर क्या रखा है वो सब आपको दिखाई देगा, जिस तरह से भी आप इसको रोल करके प्लास्टिक को रखना चाहें तो रोल करके भी रख सकती हैं, नहीं तो आप इस तरह से प्लास्टिक को डाल के रख सकती हैं। इसमें और भी चीज़ें आप रख सकती हैं, आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊंगी। आप एक बार ऑनलाइन जरूर मिला लीजिएगा कि ये कितने का पड़ रहा है, यहाँ पे आपका 20 रुपए के अंदर ही सब पड़ गया है। तो आप ये पूरे डिस्पेंसर को ज़रूर बनाइए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये डिस्पेंसर। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, बाय बाय।